गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिंदगी भर गांधी परिवार के आगे घुटने टेके हैं और भाजपा ने हमेशा जनता को भगवान मानकर जनता के सामने घुटने टेके हैं और जनता के आगे घुटने टेकने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता के बीच जाने वाले जनता के दर्द को समझ सकते हैं, जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है वे जनता की पीड़ा को क्या समझेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारे नेता जनता की पीड़ा समझते हैं क्योंकि वे जनता के बीच रहे हैं। कांग्रेस के लोग जनता के बीच जाते नहीं और जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो वो क्या जनता का दर्द समझेगा। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि उपचुनाव में कमलनाथ के उद्योगपति होने से कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा नोटा असर नहीं दिखाएगा क्योंकि जनता मतदान के पक्ष में है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं का अपमान करती आई है, कभी टंच तो कभी कुछ कहकर महिलाओं का अपमान किया गया। शिवराज सरकार के कर्ज लेने को लेकर उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने हमसे ज्यादा कर्ज लिया था, हम जनहित के लिए कर्ज ले रहे हैं। कमलनाथ ने जैकलीन और सलमान खान के लिए कर्ज लिया था। जिंदगी भर ये लोग गांधी परिवार के सामने घुटने टेकते रहे। ये तो शिवराज सिंह जी हैं, भगवान को दो ही बिंदुओं पर जनार्दन कहा जाता है, एक तो भगवान से जनार्दन कहते हैं, एक जनता से जनार्दन कहा जाता है। और अपने ईश्वर के सामने अगर घुटने टेक रहे हैं, ये किसी परिवार के सामने तो घुटने टेक नहीं रहे, अपने जनार्दन के सामने घुटने टेक रहे हैं, तो इनको पीड़ा क्यों हो रही है। इन्होंने तो 15 महीने में पूरी जनता के ही घुटने टिकवा दिए थे, उस जनता के हम घुटने टेक रहे हैं तो बुरा क्या है। दो तरह की बातें, कर्जा तो उनने भी हमसे ज्यादा लिया और उनकी सरकारें भी हमसे ज्यादा ले रही, पर ये कर्जा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, वो कर्जा सलमान और जैकलीन के निमित्त था। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।